मॉम मैं आ गई। वेलकम। लगता है आज तो बड़ी दावत है, कोई आ रहा है क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही मन किया तो मैंने बना दिया। क्यों, ये सब नहीं बना सकती मैं। अंदर प्लेट्स रखी हैं, प्लीज लेकर आ जाओ। सारी तैयारियां हो गई बेटा? हाँ डैड। ओ देखो, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ओके बे, तुमने तो सारी तैयारी कर ली। तुम्हें टेस्ट करना है, ये लो, ये लो। पांच प्लेट्स क्यों रखी थी? हाँ वो उस्मान आ रहा है तो शायद खाना खाकर जाए। सनम कहाँ है? सनम ऑफिस में बिजी है, उसे बहुत काम है। अच्छा ये बताइए, उस्मान क्यों आ रहा है? चाकू की धार बढ़ाने के लिए। आई थिंक वो आ गया, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। पापा मिलती हुए, अच्छा हुआ जो उसे इनवाइट किया, उसी बहाने अच्छा खाने को तो मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए भी तो स्पेशल बनाती हूँ, पर ना आज ये सब कुछ मैंने उसके लिए बनाया है और ये सब बहुत टेस्टी बना है। उस्मान। लैला तुम भी घर पर थी? ऑफ कोर्स, मैं अभी आई हूँ, अंदर आ जाओ। ये पहन लो। अच्छा थैंक यू। चलो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो जितना हो सके खाना चाहिए, और अगर तुम ये खाओगे तो इससे तुम्हारा ब्लड भी साफ होगा। ओह गॉड सनम, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? ऑल राइट, मैं बता देती हूँ मॉम को। पर लहसुन की जरूरत नहीं है, फिर देखना इसका क्या स्वाद आता है, बहुत टेस्टी बनता है। उस्मान तुम्हारी आंटी मेवकी जो है ना, वो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, क्या बताऊँ मैं तुम्हें कितना अच्छा। सब अपनी उंगलियाँ चाटते हैं। आंटी पता है मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ था, पर आपने इसकी ऐसी बात की कि मुझे फिर से भूख लगने लगी, क्या बताऊँ। खाओ ना बेटा, खाओ खाओ। लैला तो बिल्कुल मुझ पर गई है, उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर सनम ऐसी नहीं है, उसे तो एग्स बॉईल करने भी नहीं आते हैं। निहात पहले ही बता दिया ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ आपको पता है घर पर भी खाना बनाने का काम मैं ही करूँ, अयान और सनम सिर्फ खाना खाते हैं। लैला सनम को आने में कितना वक्त लगेगा? मैंने बात की, वो अभी बिजी है, लेट हो जाएगी। वैसे अच्छा हुआ कि सनम की नौकरी लग गई, अब उसे सैलरी मिलेगी, सब अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, लैला भी कब से काम कर रही है, उसे भी देखना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। वेल हाँ, मेरे भी कुछ आइडियल्स हैं। मेरी बेटी कितनी मेहनत है, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बिजनेस कैसा चल रहा है वैसे तुम्हारा? सेविंग तो कर रहे हो ना, अपने भविष्य में काम आएगा ना? निहात ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अरे नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, क्या हुआ पूछ लिए तो। अंकल बिजनेस तो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओ, मैंने बलि के सिर से शीप भी खरीदे, उन्हें मैं पालता हूँ और उनकी बहुत अच्छे से मैं देखभाल भी करता हूँ अंकल। मैंने उस दिन तुम्हारी एक कस्टमर को भी देखा था, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली है ना? हाँ आयला। हाँ आयला मैम। हाँ आयला मैम। मैं चलता हूँ, आपकी नाइफ्स भी अच्छे से शार्प हो गई और मेरा पेट भी भर गया तो। बैठो बेटा, बैठो बैठो। अभी तो फ्रूट्स भी खाने हैं, मैंने डिजर्ट भी बनाया है, वो भी खाकर जाओ ना। और लैला तुम जाकर चाय बनाओ, निहात जाकर टीवी देखो ना, तुम दोनों जाओ जाओ जाओ। चलो मैं अब टीवी चालू करता हूँ। उस्मान ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें जो चाहिए वो खा लेना, ठीक है? सब कुछ तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है, छोड़ना नहीं। हाँ तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए गाना लगा दूं। हाँ अंकल क्यों नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जाइए। मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा और खा लेता हूँ। तुम्हारे लिए बनाया है।